मुझे लग ही रहा था कि कुछ क्रैश नहीं आएगा, क्योंकि पैसा छाप रहा था, $1 बिलियन टेदर ने छापा था, और हरियाली वापस आ गई क्योंकि मनी प्रिंटिंग चालू है। वापस लॉकडाउन लगेगा 100%, और मनी प्रिंटिंग भी ज़बरदस्त होगा, और ये क्रिप्टो में वापस एक पंप आएगा, मतलब बड़ा स्टिमुलस पैकेज क्रिप्टो के लिए आएगा। तो डरने का कोई बात नहीं है, सरकार खुद ही जो पुराना फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स करना चाहती है, इसीलिए साइबर पैंडेमिक लाया जाएगा। और अभी ये लोग बोल भी रहे हैं डायरेक्ट कि बैंकों की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल बैंक में खाते खुलेंगे लोगों के। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। तो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा, नया फाइनेंशियल सिस्टम आएगा, दैट इज़ क्रिप्टो रिलेटेड। तो क्रिप्टो कुछ बैन नहीं होने वाला है, ये टेम्पररी फंड है। जो लोग क्रिप्टो में नए आए, दे डोंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। क्या है क्रिप्टो? इज़ मेन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम। इट इज़ नॉट मेन टू कि तू 1 लाख रुपए डालेगा उसका 10 लाख आएगा। ऑफ कोर्स ये फिनटेक कंपनीज ग्रोथ होगी, और मेटावर्स एक बड़ा चीज़ होगा, और जिसके पास भी इनके टोकन रहेंगे ही विल बी नेचुरली रिच। तो ये बात छोड़ दो कि तुमने ये गेम अलग है कि 1 लाख रुपए डाल के 10 लाख। पीपल स्टिल थिंक कि मेरे हिसाब से सरकारी करेंसी कोलैप्स होगा, और यही प्लान है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन और इनकी जो कहानियां है इतनी बचकाना और इतनी पुचाट है कि 2 साल के बच्चे को भी समझेगा कि क्या ये मजाक चल रहा है। बार बार बोलते हैं ये नया वैरायटी, ये नया लड़की पहले वाले लड़की से ज़्यादा कंटेजियस और ज़्यादा खतरनाक है, ये हर बार बोलते हैं, और पब्लिक इतनी चूतिया है कि हर बार इनको सच लगता है। तो ऑफकोर्स इतने बेवकूफ़ पब्लिक को ऊपर जाना ही होगा, धरती पे गर्दी बढ़ गई है, बेवकूफ़ लोगों की क्वांटिटी बढ़ गई है, और उसके वजह से एक महान कार्य चल रहा है, जिनका दिमाग शेंगदाने जितना है उनको ऊपर पहुंचाया जाएगा, बट इससे क्योस और सफरिंग काफ़ी आएगी। तो दैट इज़ इनएविटेबल, बट अपना चांदी होगा क्रिप्टो वाले का।